हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको स्ट्रेट डिज़ाइनर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखें। और ये देखिए, हमने नीचे इसमें बहुत ही इजी और शानदार डिज़ाइन बना के दिखाया है। और इसमें हमने राइट हैंड की साइड पॉकेट भी लगाई है, आप चाहे तो दोनों साइड पॉकेट लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इसकी पहले हम आपको लंबाई नाप के दिखाते हैं। तो इसकी लंबाई 44 इंचीस है और इसकी चौड़ाई 21 इंचीस है। हमने इसे 4 फोल्ड में किया हुआ है। अब इसमें से हमने ऊपर वाला पार्ट हटा दिया है, नीचे की तरफ कर दिया है। तो ये देखिए, डबल फोल्ड में हमने कपड़ा किया हुआ है और ऊपर से जो हमारा ऊंचा नीचा है एक्स्ट्रा कपड़ा, उसे हम कट कर लेंगे और इसे बराबर कर लेंगे। और अब हम ऊपर से 2.5 इंच अपनी बेल्ट का रखेंगे। आप चाहे तो अपनी बेल्ट के लिए 2 इंच भी रख सकते हैं। और यहाँ सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है और अब हम इंची टेप को इस लाइन के ऊपर रखेंगे यहाँ से, और अपनी रेडी लेंथ लेंगे। तो रेडी लेंथ हमें चाहिए 37 इंचेस, तो हमने यहाँ पर 37 पे निशान लगा लिया है। और यहाँ पर भी हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। और अब हम इससे नीचे फोल्ड के लिए 2 इंच कपड़ा रखेंगे एक्स्ट्रा। आप चाहे तो 2.5 इंच या 1.5 इंच भी रख सकते हैं फोल्ड के लिए, यदि आपके पास कपड़ा कम है तो। और अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अपनी बेल्ट को। तो अब हम अपने कपड़े को नापेंगे, तो ये 21 इंचेस था। तो अब हम इसका हाफ करेंगे, तो इसका हाफ आएगा 10.5 इंच। तो हम इस तरह से 10.5 इंच पे सेंटर में निशान लगा लेंगे। हमारा जितना भी कपड़ा है हमें उसके सेंटर में निशान लगा लेना है। आप अपने जितना कपड़ा हो आपके पास, आप उसका सेंटर पे ही निशान लगाएं। और अब हम अपने हिप का 1/4 करेंगे, तो 10 आएगा और उसमें 2.5 इंच की हमने लूजिंग दी है, तो हमारा 12.5। और 12.5 का हमने आधा किया है, तो हमारा आया 6.25 इंच। तो हम दोनों साइड, सेंटर के इस साइड भी हम 6.25 पे निशान लगाएंगे और इस साइड भी हम 6.25 पे निशान लगा लेंगे। और आप भी इस तरह से किसी भी साइज़ का प्लाजो बना सकते हैं। और वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, ये बनाना बहुत ही आसान और इजी है। और अब हम क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हम अपने हिप का 1/4 प्लस 2.5 इंच करेंगे, तो हमारे आया 12.5। तो 12.5 पर हमने निशान लगा लिया है, यानी हमें अपनी कमर की चौड़ाई भी 12.5 इंच रखनी होगी और अपने क्रोच एरिया की लंबाई भी हमें 12.5 इंच रखनी होगी। और इसके बाद हम यहाँ पर बाहर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यदि आपका हैवी साइज़ है तो आप 3 इंच पे भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं। और इसे हम इस तरह से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम इस लाइन को इस तरह से सीधा खींच देंगे। और एक लाइन हमें अपने कपड़े के सेंटर में भी खींच देनी है। जैसे हमने ऊपर सेंटर में निशान लगाया था, तो हमारे कपड़े की चौड़ाई 21 इंचीस है, उसका आधा लिया हमने 10.5, और इस तरह से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है सेंटर में। तो इसी तरह से हमें सेंटर निकाल लेना है अपने कपड़े का, जितना भी हमारा कपड़ा होगा उसके सेंटर में हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पर भी हम इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो 12.5 इंच का हमारी बेल्ट यानी कमर का निशान हो गया, और 12.5 इंच का हमारा क्रोच एरिया हो गया। तो हमारे ये दोनों बॉक्स 6.5 इंच के बैठे। और हम अपने नीचे से अपने प्लाजो की चौड़ाई रखेंगे, तो हमें चाहिए 8.5, उसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 का आधा किया हमने 5, तो हम दोनों साइड 5 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। और हम शेप पट्टी की हेल्प से इसे आप चाहे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो भी हमें नीचे से करना होगा। यदि आप अपने प्लाजो की चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो हमें नीचे से ही इसकी चौड़ाई बढ़ानी होगी, ऊपर से हमें एज इट इज़ रखना होगा। ऊपर से हमें कोई चेंज नहीं करना, जो भी चेंज करना होगा वो हमें मोहरी पे से चेंज करना होगा। जितनी भी हमें चौड़ाई छोटी बड़ी रखनी हो वो मोहरी से ही हम रखेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे शेप पट्टी की हेल्प से। तो हमने निशान लगा लिया है और ऊपर से भी हम इसे हल्की सी शेप दे देंगे यहाँ से, बहुत ही हल्की सी शेप देनी है हमें इस तरह से। और हम नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, क्योंकि हम डिज़ाइन बनाएंगे। और यदि आप इसमें डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते, प्लेन रखना चाहते हैं, तो आप कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा ना रखें।
हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए नीचे निशान लगा लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमने अपने प्लाजो की कटिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इसमें पिन टक्स लगाएंगे 3-3, तो उसमें जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो कपड़ा उसमें चला जाएगा हमारा। और हम इसे हटा लेंगे और हम बैक का पार्ट कट करेंगे। तो ये भी हमने डबल कपड़ा कर लिया है और यहाँ पर भी हम इसका हाफ ले लेंगे सेंटर का और 10.5 पे यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरह से। और नीचे भी हम हाफ करके सेंटर में निशान लगा लेंगे और हम अपने फ्रंट पार्ट को इससे 1 इंच नीचे रखेंगे। तो हमें इसे 1 इंच नीचे रखना है बैक पार्ट से, बैक पार्ट हमारा ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा होगा। और हम स्केल को इस तरह से रखेंगे, आसन की तरफ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और बाकी हम पीछे तक इसे इस तरह से मिला देंगे। और बाकी हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, पूरा ऐसे के ऐसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है, हमें इसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है। तो हमने सेम तरीके से इसकी कटिंग कर दी है, बस हमें ऊपर से ही इसमें चेंज करना था और कहीं भी हमें कोई चेंज नहीं करना है। और अब हम इसमें कट का निशान लगा लेंगे इस तरह से, जिससे हमें पता रहे कि यहाँ हमारी बेल्ट का निशान है और इस साइड भी और नीचे भी हमें मोहरी में भी इसी तरह से कट का निशान लगा लेना है। और अब हम इसमें से बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से बिछाएंगे। तो ये देखिए आसन की तरफ से हमें 1 इंच माइनस करना होगा फ्रंट पार्ट में। ये देखिए फ्रंट पार्ट में आसन की तरफ से हमें 1 इंच इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ करनी होगी इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमने बैक पार्ट में बढ़ाया था और फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच घटा दिया है। तो हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है और हम अपनी पॉकेट का निशान लगा लेते हैं। तो पहले हम बेल्ट से 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे और उससे नीचे हम इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाएंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए हमें निशान लगा लेंगे। आप किसी भी साइज़ के लिए इसी तरह से निशान लगाएं। ये निशान हमें राइट हैंड की तरफ लगाना होगा। तो अभी हमने आपको ये लगा के दिखाया है। तो ये हमारी पॉकेट है, हमने इसे डबल में रखा हुआ है। इसकी लंबाई हमने 12 और चौड़ाई हमने 6.5 रखी है। और अब हम ओपन वाली साइड से इस तरह से इसको कटिंग कर देते हैं और अब हम अपने फ्रंट पार्ट है ये हमारा और ये हमारा बैक पार्ट है। और अब हम इनके आसन को स्टिच करेंगे। तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से स्टिच करना होगा और इधर से भी हम इस तरह से इसे स्टिच कर देंगे बैक पार्ट को भी। तो हमने अपने दोनों बैक और फ्रंट पार्टों को स्टिच कर दिया है, आप देख सकते हैं। और फ्रंट पार्ट को भी हमने स्टिच कर दिया है और अब हम इसे खोल लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर ऊपर 2.5 इंच हमारी बेल्ट का था तो पहले हम ऊपर 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, ये हमारा फोल्ड में जाएगा। और इससे 1 इंच नीचे हमने और निशान लगाया है और इस निशान से नीचे 1 इंच से नीचे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है इस तरह से। और याद रहे कि ये हमें राइट हैंड की तरफ लगाना है और हमें अपनी प्लाजो को सीधा रखना है और इसके ऊपर हम अपनी पॉकेट को भी सीधा ही रखेंगे इस तरह से। हमने अपने पॉकेट को भी सीधा रखा हुआ, आप देख सकते हैं। और हम अपनी पॉकेट पे भी इस तरह से ही निशान लगा लेंगे, पहले 1 इंच ऊपर से और 6 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह से। हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया और 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई देते हुए हमने निशान लगा लिया जैसे हमने अपने प्लाजो पे लगाया था। और इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने इस तरह से इसे स्टिच कर लिया है और अपनी पॉकेट को फोल्ड करके इस तरह से यहाँ तक ही हमें स्टिच करना होगा, इसे पकड़ के इस तरह से।
तो हमने इसे भी नीचे से स्टिच कर दिया है। और अब हमने जहाँ से अपनी पॉकेट को स्टिच किया था वहाँ पर हम उससे ऊपर कट का निशान लगा देंगे दोनों साइड। हमें थोड़ा छोड़ते हुए निशान लगाना है कट का, सिलाई के ऊपर नहीं लगाना, और इसे इस तरीके से पलटना होगा। तो पहले हम इसे सीधा कर देते हैं अपनी पॉकेट को इस तरह से, और फिर हम इसे उल्टी तरफ पलट देंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसे मिलाते हुए हम इसे उल्टी तरफ पलट देंगे और इस पे हम टॉप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो हमने इस पे टॉप स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी पॉकेट इस तरह से आई है। ऊपर से जो हमारी पॉकेट खुली है उसे हम इस तरह से फोल्ड करके अपनी बेल्ट से इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने पॉकेट को एक तरफ से अटैच कर दिया फ्रंट पार्ट में, और अब हम अपने बैक पार्ट में इस पॉकेट को अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट को हमने इसके ऊपर इस तरह से रख दिया है, और इस तरह से मिलाते हुए आप देखिए हमें अपनी पॉकेट का नीचे वाला पार्ट स्टिच करना होगा, ये वाला। और हमें सिलाई करते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमारी ये पॉकेट बंद ना हो जाए। तो हमें सिर्फ इसी वाले पार्ट को स्टिच करना होगा, फ्रंट वाले पार्ट को हमें स्टिच नहीं करना होगा। तो यहाँ से इस तरह से हम इसे पकड़ते हुए स्टिच कर लेंगे इस तरह से। सेम दूसरी तरह से भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, हम इस तरह से इसे स्टिच करेंगे जिससे हमारी पॉकेट बंद ना हो जाए अंदर से। इस तरह से हम नीचे तक इसे स्टिच कर लेंगे, और सेम तरह से हम दूसरी साइड से भी इसे स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों तरफ से स्टिच कर लिया, आप देख सकते हैं। उधर से भी हमने इसे स्टिच कर लिया और इधर से भी। और अब हम इसे पलट के सीधा कर देंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारी पॉकेट है। जो बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो हमने पेस्टिंग पेपर को इस पे चिपका लिया है इस तरह से। 2 इंच हमने नीचे फोल्डिंग का छोड़ दिया है जो हम फोल्ड करेंगे, और उससे ऊपर हमने 6.5 इंच लंबी पेस्टिंग पेपर को हमने इस पे प्रेस से पेस्ट कर दिया है। और अब हम नीचे से इस तरह से इस पे निशान लगाएंगे 7 इंच पे, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इस तरह से हम पूरे में निशान लगा लेंगे, और इसे पकड़ते हुए इस तरह से हाथ से दबाएंगे। आप चाहे तो इस पे प्रेस भी कर सकते हैं, और इसे दबाते हुए हम निशान बना लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरी वाली लाइन पे भी 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर इस तरह निशान बना लेंगे, जिससे हमें स्टिचिंग करने में आसानी होगी। तो हम इस तरह से इस पे पिंटक्स लगाएंगे। तो हमें इस तरह से इसमें 3 लाइनें बना लेनी है। सेम तरीके से हम दूसरी वाली साइड भी ऐसे ही बनाएंगे डिजाइन को। तो हम 1/2 इंच नीचे इस पे इस तरह से हमने निशान लगाया है, और ये जो हमने फोल्ड किया था उसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे पिंटक्स लगा लेंगे। तो हमें सभी पिंटक्स ऐसे ही लगा लेने हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, इसे भी हमें ऐसे ही इसे पिंटक्स लगा लेना है। और उसके बाद हमने ये 3 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है, जिसको हम बीच में से इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। और इसे हमने स्टिच कर दिया है, और अब हम इसे पलट के सीधा कर देंगे। तो हमने इसे सीधा कर दिया है, और अब हम इस सिलाई को सेंटर में रखेंगे और इस पर प्रेस कर लेंगे। तो हमने इस पर प्रेस कर दिया, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे यहाँ पर लगाएंगे ऊपर से 1/2 इंच नीचे। तो पहले हम इसे इस साइड यहाँ पर स्टिच कर देते हैं। हमने अपनी पिंटक्स वाली लाइन से 1/2 इंच नीचे इस पट्टी को रखा है, और उसके बाद हम यहाँ पर इस पट्टी पे 3-3 इंच पे निशान लगा देंगे डिजाइन बनाने के लिए। इस तरह से तो हमें पूरी स्ट्रिप में 3-3 इंच पे हमने निशान लगा दिए हैं, और हम इन निशानों को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये
इधर से भी सेम तरीके से हमें सभी निशानों को इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है और बीच में से हम इसे इस तरीके से अटैच कर देंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर भी एक पिन टक्स लगा दिया है और हम जितना हमें 2 इंच फोल्ड करना है उतना हम फोल्ड कर लेंगे इसे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इस पे निशान लगा लिया है और अब हमने ये डोरी ली है 7 इंच लंबी, हमने इसे कट कर दिया है सभी डोरियों को और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इसे फोल्ड करते हुए हम इस लाइन पे स्टिच करेंगे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी अभी। इसे भी सेम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और इसे इस तरह से ऊपर की तरफ हमें स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से हम पूरा डिज़ाइन 1-1 इंच के गैप पे लगाते जाएंगे। आप चाहे तो इसे मिला के भी लगा सकते हैं यहाँ तक। तो हमने 1-1 इंच के गैप पे इस डिज़ाइन को स्टिच कर लेंगे। आप इसे मिला के भी रख सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा खुला खुला पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें 1-1 इंच का गैप दे दिया है। और अब हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे उल्टी साइड इस तरह से और अब हम इस पर टॉप स्टिच कर देंगे। तो हमने इस पर टॉप स्टिच कर दिया है तो आप देख सकते हैं। और अब हमने एक स्ट्रिप ली है, ये हमने डबल फोल्ड की हुई है जैसे हमने डोरी बनाई थी उससे थोड़ी मोटी है इसका साइज़। और इसे हमने इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इसे मोड़ देंगे और इसे सुई से स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमें पूरा डिज़ाइन बना लेना है और फिर लास्ट में हम इनके ऊपर पल्स लगा देंगे मोती, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा लगेगा बनने के बाद। तो अब ये देखिए नीचे से जो हमारा फोल्डेड कपड़ा था एक्स्ट्रा उसे हम इस तरह से बाहर की तरफ स्टिच कर देंगे इसके ऊपर फोल्ड करते हुए। और जो बीच में हमारा जॉइंट है उसे भी हम इस तरह से अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये बाहर से इस तरह से दिखाई नहीं देगा और हमारी सिलाई पिन टक्स पे नहीं आनी चाहिए। तो हमने इसे स्टिच कर दिया दोनों साइड से और अब हम नीचे से अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। 8.5 पे हमने इसे निशान लगा दिया है और आसन को हम आसन से मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे अच्छे से, पूरे को हम स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद हमारी जितनी बेल्ट थी ये रही आप देख सकते हैं, हमें उतना कपड़ा फोल्ड कर लेना और इस पर प्रेस कर लेनी है। तो हमने इस पर प्रेस कर लिया और अपनी पॉकेट को साइड से हम इसे इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। पीछे से भी हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो हमने पहले से पिनअप कर दिया आप देख सकते हैं और इस तरह से हम इसे किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। और पीछे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा चुन्नट डालनी होगी हमें क्योंकि बैक साइड हमारा बड़ा था, तो हम इसमें 1-2 चुन्नट डाल लेंगे इस तरह से। और फिर इसे भी हम स्टिच कर लेंगे और इसे स्टिच करने के बाद हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो हमने इसमें 1 इंच ओपन छोड़ दिया था, लास्टिक हमें अपनी कमर की जो भी चौड़ाई है उसमें से 4 इंच माइनस करके लास्टिक की लंबाई रखेंगे और उसे इस तरह से इसमें डाल देंगे। और फिर हम इसे पिन को निकालते हुए यहाँ से हम इसे स्टिच कर लेंगे और इसे हम खींचेंगे इस तरह से पकड़ते हुए। और अब हम यहाँ से भी इसे स्टिच कर लेंगे और एक सिलाई हम इसके सेंटर में भी लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्लाजो बन